brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. हमने जो है उस पे रिएक्शन दिया है जी। मेरी जो है मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंदिर में चुनाव लड़ने हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पे आपको जवाब दिया है, अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके आई मीन यू नो सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मैम आप एक्शन लेंगे? एक्शन में जाएंगे? महिला आयोग में जाएंगे? देखिए मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे, और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे, मैम क्या ले रहे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं, मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ, तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से, वहीं पर ही ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां भ्रमित बातें कही जाती हैं, मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं, न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है, महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं।